युगों युगों से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। आज 26 नवंबर 2019 दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज अमावस्या तिथि रात 8:35 तक रहेगी और उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:46 से लेकर 12:28 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 2:44 से लेकर शाम 4:02 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। आइए आप जानते हैं कि आज का दिन मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आज आपको अपने माता पिता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आज उनके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। नया घर या वाहन खरीदने के लिए आज का दिन शुभ नहीं है। छात्रों को भी आज पढ़ाई के मामले में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और अत्यधिक प्रयासों के बाद भी आज उनको सफलता प्राप्त नहीं होगी। आज आप काले वस्त्र धारण करने से भी परहेज करें। आज आप वहम करने से भी बचें, अन्यथा आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। आज प्रातः काल उठकर पवित्र होकर सूर्य देवता को मीठा जल अवश्य दें, इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 1 स्टार देता हूँ। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज यदि आपको कोई विदेश यात्रा करनी पड़ रही है तो उससे आपको धन लाभ होगा। आज यदि आप स्वयं को किसी परेशानी में पाते हैं तो उसमें आप महसूस करेंगे कि स्वयं भगवान आकर आपकी उसमें सहायता कर रहे हैं। आज व्रत रखना भी आपके लिए शुभ होगा। आज आपको मानसिक शांति की भी अनुभूति होगी। आज शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज यदि आप चंदन की लकड़ी लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी या कार्यस्थल पर कैश बॉक्स में रखते हैं तो इससे आपके धन के भंडारों में वृद्धि होगी। आज आप पीले वस्त्र धारण करने से भी परहेज करें। वृषभ राशि वालों, अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या आप नौकरी की वजह से परेशान हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आप किसी को भी उधार देने से बचें। आज उधार दिया हुआ धन आपको वापस नहीं मिल पाएगा। व्यवसायिक लोगों को भी आज उनके कार्यस्थान पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज यदि आपके ससुराल पक्ष से आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है तो उसे आदर पूर्वक लौटा दें। विशेष तौर पर बिजली का कोई भी सामान गिफ्ट में लेने से आज आपको नुकसान हो सकता है। आज आप माथे पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। किसी धर्मस्थान या मंदिर के बाहर जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद कंबल दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज काले कुत्ते की सेवा करने से भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा।
आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। आइए अब जानते हैं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने विचारों की अस्थिरता से आप भ्रमित हो सकते हैं और कुछ गलत फैसले लेने से आप बाद में उन पर पछतावा करेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में भी आज आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आपसी मनमुटाव के कारण आज आप दुखी रहेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके वैवाहिक जीवन में सदा ही कलेश की स्थिति बनी रहती है और आपसी मनमुटाव के कारण आपका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच चुका है, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मारुपणी द्वारा अपनी और अपने पार्टनर की कुंडली दिखाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जो आपके गृहस्थ जीवन को सुखद बना देंगे। आज किसी सरकारी नियम कानून में बदलाव होने से भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज बिना सिंह वाली गाय की सेवा करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज आप किसी को भी दूध और दही दान में ना दें। आपका आज का राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिंह यानी कि लियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपना विशेष ध्यान रखना है। आज रक्तचाप बढ़ने से आप परेशान हो सकते हैं। आज नया घर या मकान लेने के लिए भी दिन अत्यंत शुभ है। आज आपके माता पिता जी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। छात्रों को भी आज उनकी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। यदि आज आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। किसी से भी झूठा वायदा करना आज आपको भयंकर नुकसान पहुंचा सकता है। आज आप भ्रमित होकर कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। सिंह राशि वालों, अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशि पर देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ। चलिए अब जानते हैं कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपके विदेश जाने के प्रबल योग बन रहे हैं और इस विदेश यात्रा से नौकरी पेशा व्यक्तियों को धन लाभ होगा। भाई बहनों के साथ भी आज आपके संबंध मधुर होंगे। यदि आप आज लालच करते हैं या अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई गलत कदम उठाते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो यह आपके लिए घोर अनिष्टकारी होगा। छात्रों को भी आज पढ़ाई में मन लगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरा आज उनको सुझाव है कि वे आज अपने पुराने सब्जेक्ट रिवाइज करें और अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें। यदि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वे लगातार ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है, एग्जाम से नंबर कम आते हैं और उनकी मेहनत विफल हो जाती है, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें। हम निश्चित ही आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और जो भी एग्जाम्स आप अपने जीवन में देंगे उनमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आएंगे। आपका आज का राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं या आपके बच्चे बीमार रहते हैं या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तुला यानी कि लिब्रा राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। यदि आप अभी नया वाहन या मकान लेने का विचार बना रहे हैं तो अभी के लिए इसे टाल दें। अभी नया घर या वाहन लेने के लिए आपका समय शुभ नहीं है। आज आपको भी अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आज उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आप परेशानियों का सामना कर सकते हैं, परंतु आज आपके संबंध आपके भाई बहनों के साथ उत्तम रहेंगे और आज आपके संबंधों में मधुरता आएगी। आज पितृपक्ष की ओर से भी आपको कोई विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। आज किसी की भी आलोचना करने से परहेज करें, अन्यथा आपको अपमानित होना पड़ सकता है। आज आपका उत्साह और जोश भी कम रहेगा, इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप प्रातः काल उठकर पवित्र होकर व्यायाम करें। इससे आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपको अपने भाई बहनों का विशेष तौर पर ख्याल रखना है। आज उनका स्वास्थ्य बिगड़ने से आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। आज आपको जरूरत है कि आप अपने छोटे भाई बहनों का मार्गदर्शन करें और उन्हें जीवन जीने की शिक्षा प्रदान करें। आज आपको उनकी हर अच्छी बुरी आदत पर नजर रखनी है और उन्हें गलत संगत में पड़ने से बचाना है। आज आपको सरकार की ओर से कोई फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है। आज आपकी मान प्रतिष्ठा में भी इजाफा होगा। आपकी सफलताओं से आपके माता पिता को भी आप पर गर्व होगा। आज आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आज आप जो भी अपने मित्रों को सलाह देंगे उससे उनका फायदा होगा। आज आपके शत्रु आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे और आप किसी की भी चालाकी फौरन ही समझ जाएंगे। आज पीले रंग का रुमाल अपने पास रखने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपका अपना मकान नहीं है और आप जल्द से जल्द अपने सपनों का मकान खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज बेईमानी से कमाया हुआ धन आपको बिल्कुल भी बरकत नहीं देगा और उल्टा आप परेशानियों में फंस जाएंगे। किसी गलत काम में भागीदारी होने से आज आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है। आज क्रोध करने के कारण आपके मित्र भी आपका साथ छोड़कर जा सकते हैं, इसलिए आज आपको संयम बनाकर रखने की जरूरत है। आज आपको अपने तबादले की खबर भी प्राप्त हो सकती है। आपके भाई का स्वास्थ्य खराब होने से आज आप तनावग्रस्त भी रह सकते हैं। आज सफेद कुत्ते को रोटी खिलाना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज यदि आप किसी गरीब व्यक्ति को अपने घर पर आमंत्रण देकर भोजन कराते हैं तो इससे केतु देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आज आपके रिश्तेदार जिस भी कार्य में आपका साथ देंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह चमत्कारी उपाय जो अचानक ही आपको मालामाल कर देगा और हर राशि के जातक को आज ये उपाय करना चाहिए। आज आप प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर अपने कार्यस्थल की ओर प्रस्थान करने से पूर्व 5 काली मिर्च के दाने अपने सर के ऊपर से 7 बार उतारकर चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक दें और 5वां दाना आकाश की ओर उछाल दें। यदि आप आज इस उपाय को श्रद्धापूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर आज आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज के दिन आप अपने खर्चों का विशेष ध्यान रखें। व्यर्थ की चीजों में पैसा खराब करने से अच्छा है यदि आप उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट में डालेंगे या उससे सोना चांदी खरीदेंगे तो उन पैसों में वृद्धि होगी। आज आप अपने मित्रों या सगे संबंधियों को भी उधार देने से बचें। उधार दिया हुआ धन आज आपको वापस नहीं मिलेगा। छात्रों के लिए भी आज का दिन उत्तम रहेगा और आज उनको पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी। आज मुश्किल से मुश्किल सवाल भी वे आसानी से हल कर पाएंगे जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लव लाइफ के मामले में आज आपका दिन अच्छा बीतेगा
और आज आप अपनी बातों से अपने पार्टनर का दिल जीत लेंगे। आज आपको अपने लाइफ पार्टनर का भरपूर साथ मिलेगा और कुछ ऐसे यादगार मोमेंट्स बनेंगे जिनको आप पूरी जिंदगी भुला नहीं पाएंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। खर्चा बढ़ने से आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। वर्क प्लेस पर आज आपकी किस्मत आपका साथ देगी और आपको आपकी मेहनत का क्रेडिट मिलेगा। आज आपके अटके हुए काम भी बनते चले जाएंगे। बस आज आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है और व्यर्थ के विवादों में उलझने से बचना है। यदि आप आज काले कुत्ते की सेवा करते हैं और उसे भोजन कराते हैं तो उससे आपको राहु देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आपको अपने सगे संबंधियों की नजर लग सकती है, इसलिए अपने खुशी का अत्यधिक इजहार ना करें। आज आपको अपने माता जी की कोई बात बुरी लग सकती है जिस कारण आपका उनसे झगड़ा भी हो सकता है, परंतु उनसे झगड़ा करना आज आपके लिए अत्यंत हानिकारक होगा। कुंभ राशि वालों, अगर आप अपने प्रेम संबंधों में प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। तो चलिए आप जानते हैं कि मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपना विशेष ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि आज रक्तचाप गिरने से उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आज छात्रों को अपनी पढ़ाई में फोकस करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और मानसिक अशांति के कारण आज उनको उनकी परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। मेरा छात्रों को यह सुझाव है कि वे अपना आत्मविश्वास ना खोएं और आज मनोरंजन के लिए खेल कूद में भाग लें या पार्क इत्यादि का भ्रमण करें जिससे आप तरोताजा हो सके। मेडिटेशन करने से भी आपकी कंसंट्रेशन पावर में वृद्धि होगी। आज आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। आज आप किसी से भी गिफ्ट लेने से परहेज करें। आज प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वे आपकी हर मुसीबत में रक्षा करेंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।